इस वक्त की बड़ी खबर एटा से आ रही है। डॉक्टर की लापरवाही ने ली नवजात बच्चे की जान। डॉक्टर सुमन गुप्ता हॉस्पिटल में प्रसव कराने आई महिला के नवजात बच्चे की डॉक्टर की लापरवाही से मौत। प्रसूता की हालत गंभीर, परिजनों ने नर्सिंग होम पर काटा हंगामा। आरोपी महिला ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। स्थानीय लोगों के सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। आरोपी डॉक्टर सुमन गुप्ता हुई फरार। थाना कोतवाली नगर के हाजीपुरा का है मामला। रिपोर्टर आरबी द्विवेदी एटा। हॉस्पिटल में अपना बच्चा सुमन देवी के पास लाए तो वहाँ पर उन्होंने भर्ती कर लिया जी। घंटे दो घंटे रखा भी और जो घंटे घाट परेशान रहो हमारा मरीज, फिर उन्होंने आधा बच्चा वहाँ भी पैदा हो चुका था जी। तो उन्होंने हमसे कही क्या देखो कि आप ले जाओ, तो हमने जिम्मेदारी कहा लिया जान कि उन्हें कौन भर्ती करेगा। तो उन्होंने फिर भर्ती की कही तब उन्होंने कही तो ले जाओ, तो हमने हमें ऐसा ना ले जाएंगे। तब फिर उन्होंने गेट पुलिस को और हमने भी उन्हें फोन किया, तब फिर उन्होंने गेट लगा लिया। गेट लगाने के बाद जब बच्चा यहाँ ले कर आए आप पहले हॉस्पिटल जब जिला अस्पताल लेके आए थे महिला हॉस्पिटल में, उसके बाद यहाँ से क्यों रेफर किया गया था? वहाँ से रेफर इसलिए कर दिया गया था सुमन दीदी के पास थे, आधा बच्चा पैदा हो चुका था आधा सिर अटका था। नहीं हॉस्पिटल में जब लेके आए थे आप, हॉस्पिटल यहाँ लेके आए थे पहले? यहाँ नहीं लाए थे, यहाँ नहीं लाए थे। जैतरा तो जो डॉक्टर के पास आप ले गए उनके पास डिग्री है कोई? डिग्री की मेरे को जानकारी नहीं भाई साहब। थाने में आपने तहरी दी? आप पुलिस मतलब वहाँ कैसे पहुँची? सूचना दी थी हमने इनको पत्रकारों को और तब पुलिस पहुँची, तब उन्होंने गेट लगा लिया, तब बाद बच्चा फिर हमारा मरीज निकाला, तब हम ले आए। डॉक्टर नहीं आया उस टाइम? कहाँ थी आपकी जब मरीज निकाला था? डॉक्टर नहीं तो मान लो सुमन दीदी तो ना थी और जो वे सुमन दूसरी आएंगे वे आती। अच्छा वो थी मेन डॉक्टर? नीचे नहीं थी क्या उनकी लापरवाही चलते बच्चा गया है? हाँ उनकी लापरवाही जो है अगर उनके अगर गाँव में ना आए तो मने कर देते हमसे, तो हम अपने मन में कहाँ दिखाते ले जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।